नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फोमैन पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की दो टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में, मोदी केयर और वेस्टीज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों कंपनीज के प्रोफाइल को और उनके कुछ प्रोडक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर हम देखें दोनों कंपनीज के प्रोफाइल को, तो वेस्टीज ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 2004 में की, और वेस्टीज का पूरा नाम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं मोदी केयर ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1996 में की, और इस कंपनी का पूरा नाम मोदी केयर लिमिटेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोदी केयर की शुरुआत वेस्टीज से 8 साल पहले हुई। वेस्टीज के फाउंडर डायरेक्टर है कंवर बीर सिंह, दीपक सूद और गौतम बाली, और मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर है समीर मोदी। ये सारे नेम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर नेम हैं। दोनों ही कंपनीज इंडिया की टॉप लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। अब हम देखते हैं ज्वाइनिंग अमाउंट के बारे में, मतलब आपको कंपनी का डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कितने रुपये देने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कंपनी आपसे ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं ले सकती है, लेकिन कंपनीज की पॉलिसी के अनुसार आपको कुछ इनिशियल बाय ज़रूर करना होता है। वेस्टीज में आपको डायरेक्ट सेलर या मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 बिजनेस वॉल्यूम का पर्सनल परचेज करना होता है, जो कि 1100 से 1500 रुपीज़ का होता है। और मोदी केयर में आपको 25 पॉइंट वैल्यू का परचेस करना होता है, जो कि मिनिमम 400 रुपीज़ का हो सकता है। अब अगर हम देखें कंपनीज की ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब कंपनीज का बिजनेस कितने देशों में फैला हुआ है, तो वेस्टीज यूएई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और घाना में अपना बिजनेस करती है, और मोदी केयर नेपाल और इंडिया में अपना बिजनेस करती है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एलेक्सा रैंक। तो दोस्तों, ये रैंक बताती है कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा लोग उस पर विजिट करते हैं। जब रैंकिंग कम होगी, मतलब उस पर ज़्यादा लोग विजिट करते हैं और उससे अच्छा माना जाता है। वेस्टीज की ग्लोबल एलेक्सा रैंक है 40 से 41,000 के बीच में, और मोदी केयर की ग्लोबल रैंक है 35 से 36,000 के बीच में। और अगर हम देखें दोनों कंपनीज की इंडिया रैंक, तो वेस्टीज की इंडिया रैंक है अराउंड 4,000 और मोदी केयर की एलेक्सा रैंक है अराउंड 3,500। मतलब मोदी केयर की वेबसाइट को ज़्यादा सर्च किया जाता है। अब हम कंपेयर करते हैं वेस्टीज, मोदी केयर और मार्केट के कुछ प्रोडक्ट्स को, क्योंकि किसी भी कंपनी की और उससे जुड़े लोगों की सक्सेस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर निर्भर करती है। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो अगर हम देखें वेस्टीज का टूथपेस्ट, तो वेस्टीज का डेंटा एश्योर टूथपेस्ट, जिसकी 100 ग्राम की MRP है 75 रुपये, और मोदी केयर के फ्रेश मूवमेंट के 100 ग्राम की MRP है 75 रुपये। इन दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के टूथपेस्ट आपको 40 से 55 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। फिर है स्पिरुलिना, तो वेस्टीज के 100 कैप्सूल की MRP है 421 रुपये, और ये डायरेक्ट सेलर को 360 रुपये में पड़ता है। वहीं मोदी केयर के 100 कैप्सूल की MRP है 412 रुपये, और ये डिस्ट्रीब्यूटर को 350 रुपये में पड़ता है। मतलब इनकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मार्केट में भी स्पिरुलिना इसी रेट में मिलता है। अब हम देखते हैं फेस वॉश की प्राइस, तो वेस्टीज के 60 ml एश्योर क्लेरिफाइंग फेस वॉश की MRP है 170 रुपये, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 146 रुपये। वहीं मोदी केयर के स्लोका नीम फेस वॉश की MRP है 198 रुपये, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 165 रुपये। मतलब इनकी भी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर हम तुलना करें मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट से, तो मार्केट में आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में बहुत सारे फेस वॉश मिल जाते हैं। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों कंपनीज लगभग बराबर जगह पर स्टैंड करती है,
और दोनों ही इंडिया की ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।